हेलो, मैं हूँ पूजा। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो आज मैं आपके लेके कहीं क्रिस्पी कॉर्न की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही क्रिस्पी बनने वाले हैं। देसी स्टाइल और रेस्टोरेंट स्टाइल में आपको दो तरीके से बनाना बताऊंगी। तो चलिए बना लेते हैं मेरे साथ मेरे किचन में क्रिस्पी कॉर्न। बना लेते हैं क्रिस्पी कॉर्न। तो इसके लिए ले लिया मैंने बॉयल कॉर्न, और इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी। इसमें डाल देती हूँ मैं 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर, तीन 2 चम्मच डाल देती हूँ मैं इसमें मैदा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दबा दबा के। कॉर्न पे हमें बिल्कुल अच्छे से इसको आटे को चिपका देना है। देखिए, तो देखिए रेसू हमें रखना है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच मैदे का, ठीक है। तो देखिए अच्छे हाथ से मैंने इसको मिला लिया है एकदम दबा दबा के। आप देख सकते हो सारा आटा हमारा इसमें से गायब हो गया है। तो इसमें मैं थोड़ा सा आटा और डालने वाली हूँ, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच मैदा। एक तो देखिए मैंने फिर से डाल दिया है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच मैदा। तो देखिए आटा डाल करके हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अभी इसमें डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके, 1-1 चम्मच करके हम पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, 1-1 चम्मच पानी डाल करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आटा कॉर्न पर चिपक जाना चाहिए, दबा दबा कर हमें इसे मिक्स करना है। तो देखिए 2 चम्मच पानी मैंने डाल दिया था, आटा अच्छी तरह से कॉर्न पर चिपक गया है। अभी हम तेल गरम कर लेंगे और उसको तल लेंगे। तो देखिए तेल गरम हो चुका है हमारा, अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पर इसे तल देंगे। धीरे धीरे करके हम इसमें डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे तलना है, और थोड़ी देर में देखिए चटर पटर की इसमें से आवाज़ आने वाली है, तो मैं इस पर ढक्कन ढक दूंगी। तो देखिए ये हमारे कॉर्न तल चुके हैं, इसको मैं निकाल लेती हूँ। देखिए आप आवाज़ सुन सकते हो कितने क्रिस्पी बने हैं। धीरे धीरे करके हम सारे अपने कॉर्न तल लेते हैं। देखिए अब तलते हुए ध्यान रखिए कॉर्न ऑयल में जा करके फूटते हैं, इसलिए फटाफट अपना ढक्कन अपने हाथ में ही रखिए डाल करके। अच्छे से क्रिस्पी होने तक हम इसे तल देते हैं। तो देखिए ये भी हमारे कॉर्न तल करके हो गए हैं तैयार, एकदम क्रिस्पी कॉर्न तल करके तैयार हुए हैं हमारे। निकाल लेते हैं इसे हम धीरे धीरे करके। सारे कॉर्न हमने तल करके तैयार कर लिए हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। देखिए आप देख सकते हो, इसे हम बनाएंगे 2 स्टाइल में, एक देसी स्टाइल में एक रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो देखिए पहले मैं देसी स्टाइल बता देती हूँ आपको। तो देखिए अभी बना लेते हैं हम देसी स्टाइल। तो इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ी सी शिमला मिर्ची, थोड़ी सी डाल दूंगी प्याज, थोड़ी सी ग्रीन चिली, थोड़ा सा कोरिएंडर, थोड़ी रेड चिली, और डालते हैं इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच अमचूर पाउडर। देखिए बनकर के तैयार है मैं देसी स्टाइल क्रिस्पी कॉर्न। अभी बना लेते हैं हम रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी कॉर्न। हम रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी कॉर्न, तो इसमें डाल देती हूँ मैं 2 से 3 चम्मच भर करके गार्लिक। गार्लिक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा। 1 छोटी साइज की प्याज, गैस तेज पर ही इसे हमें पकाना है, सिर्फ 30 से 40 सेकंड के लिए। मैं ज़्यादा इसे सौगी नहीं करना है, इसे हमें क्रिस्पी रखना है। अभी डाल देती हूँ मैं इसमें 1 छोटी साइज की कटी हुई शिमला मिर्ची। इसमें डाल देती हूँ मैं 1 छोटी कटी हुई हरी मिर्ची। 2 चम्मच डालूंगी मैं इसमें सॉस, टमाटर सॉस। थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें रेड चिली सॉस। अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और डाल देंगे हमारे कॉर्न। थोड़ा सा डाल देती हूँ मैं नमक, नमक थोड़ा ही डालें क्योंकि रेड चिली सॉस में भी नमक है और टमाटर सॉस में भी नमक है। थोड़ा डालूंगी मैं रेड चिली पाउडर। बस फटाफट हिला करके हम कर देंगे गैस बंद, और करेंगे अभी से प्लेट आउट। तो देखिए तैयार है हमारे दोनों तरह के
ये है मेरा देसी स्टाइल क्रिस्पी कॉर्न और ये है मेरा रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी कॉर्न। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।